हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विज्ञान प्रकाश। दोस्तों, यूपी पीसीएस 2023 के लिए एग्ज़ाम डेट पहले ही डिक्लेयर हो चुका है और ये जो परीक्षा होगी यह 14 मई को आयोजित की जाएगी। और आपको ये भी ध्यान होगा कि इसके लिए जो एग्ज़ाम के फॉर्म हैं वो भरे जा रहे हैं, जिसकी लास्ट डेट 3 अप्रैल है। 3 अप्रैल तक आपको फॉर्म फिलअप करना है प्री एग्ज़ाम के लिए। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट भी होंगे जो पहली बार इस परीक्षा को दे रहे होंगे। तो जो अभ्यर्थी पहली बार इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, अभी तक उनके मन में एक जोश रहा होगा कि प्री को क्रैक कर लेंगे, लेकिन क्योंकि अब समय बहुत कम बचा हुआ है तो अब उनके मन में एक भाव ये भी आ रहा होगा कि नेक्स्ट टाइम देखेंगे। और ऐसे एस्पिरेंट के लिए मैं यही कहूँगा कि आपको जो है इसी परीक्षा पर और इसी बार फोकस करना चाहिए। ध्यान दीजिएगा कि यूबी पीसीएस में 21 से लेकर 40 साल तक की एज लिमिट होती है और इस उम्र सीमा के बीच में आप चाहे जितनी बार चाहें उतनी बार इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। तो अगर आपकी तैयारी नहीं भी है तो यहाँ पर कोई चांस काउंट नहीं होता है, इसलिए आपको ये परीक्षा देनी चाहिए। इससे आपको जो है परीक्षा के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बहुत कुछ समझने को मिलेगा और अगली बार जब आप परीक्षा देंगे तो आपको अपने भूतपूर्व अनुभव का कुछ न कुछ लाभ जरूर मिलेगा कि एग्ज़ाम में क्या कर पाए थे आप, क्या नहीं कर पाए थे। क्योंकि एग्ज़ाम की तैयारी बाहर से करना और एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठ कर उस तनाव को महसूस करना, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों पर आपको फोकस रखना चाहिए। तो देखो फ्रेंड्स, ये सारी बातें हो गई और अब मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप चाहे पहली बार अटेम्प्ट कर रहे हों और चाहे ये आपका लास्ट अटेम्प्ट हो, इस बार सिलेबस भी बदल चुका है तो सिलेबस को ध्यान में रखकर परीक्षा में बैठिए और अभी आपके पास जो भी समय है उसका एक सही तरीके से उपयोग करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि प्री क्वालिफाई नहीं हो सकता है, प्री क्रैक भी आप कर सकते हैं। और अगर प्री में आपने कुल 90 प्रश्न हल कर लिए 150 में, तो उसके बाद आप बहुत ही आसानी से मेंस की तैयारी में लग सकते हैं और फिर आपका जो एनर्जी लेवल है वो अपने आप, आपका जो मोटिवेशन होगा वो अपने आप इतना हाई रहेगा कि आप मेंस की तैयारी भी कर लेंगे और संभावना इस बात की भी है फिर आप इंटरव्यू भी क्रैक कर लेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के पैटर्न और सिलेबस के बारे में। और जो एस्पिरेंट अब से, मतलब आज की तारीख से जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं, मैं तारीख नहीं बोलूँगा क्योंकि हो सकता है वीडियो कुछ लोग कुछ दिन के बाद देखें तो उनको लगेगा कि ये तो 10 दिन पहले की बात है। नहीं, आप जिस भी तारीख को ये वीडियो वॉच कर रहे हैं उसी तारीख से अगर आप एक सही रणनीति बनाकर अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं तो आसानी से आपका जो प्री है वो निकल सकता है। बहुत सारे लोगों ने प्री क्रैक किया भी है, ठीक है, और जो भी रिकॉर्ड बनते हैं वो टूटने के लिए ही बनते हैं। हमें दूसरों की बातों पर भरोसा न करके अपनी क्षमताओं पर और अपनी जो विल पावर है उस पर भरोसा करना चाहिए। परीक्षाओं के लिए कोई भी एक सेट क्राइटेरिया या पैटर्न नहीं होता है, मतलब पढ़ाई करने का पैटर्न। हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से चीज़ों को पढ़ता है, समझता है, लिखता है और करता भी है। तो इसके लिए आप लोग बिल्कुल मोटिवेट रहिए। अब हम बात करते हैं कि अगर आप यूपी पीसीएस देना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा, इसमें एक प्री की परीक्षा होगी, फिर इसके बाद आप मेंस में बैठेंगे और फिर इंटरव्यू में। मेंस और इंटरव्यू में कुल मिला के 1600 अंकों की परीक्षा होती है। मेंस 1500 अंक और इंटरव्यू 100 अंक, तो 1600 अंकों पर आपकी जो फाइनल मेरिट होती है ये तैयार की जाती है। बेसिकली अगर हम बात करें यहाँ पर प्री के बारे में, तो प्री में आपको दो पेपर दे रहा है, जीएस का पहला पेपर और जीएस का दूसरा पेपर। जीएस का जो पहला पेपर होगा इसमें कुल 150 प्रश्न होंगे, दूसरे पेपर में कुल 100 प्रश्न होंगे। जीएस का जो पहला पेपर होता है इसका सिलेबस मैं आपको दिखा रहा हूँ, काफ़ी विस्तृत होता है। सेकेंड पेपर जिसको आप सीसेट के नाम से जानते हैं, यह केवल क्वालिफाइंग होता है, इसमें 33% मार्क लाना कंपलसरी है। मेंस के लिए जो आप चुने जाएंगे वो पहले पेपर के आधार पर ही चुने जाएंगे, लेकिन सी सेट को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। सी सेट में फेल होने का मतलब है कि पहले पेपर में की गई मेहनत पर पानी फिर जाना। तो
ये जो परीक्षा होती है, जो पहला पेपर होगा ये भी 200 अंकों का होगा, दूसरा पेपर भी 200 अंकों का होगा। 200 में दूसरे पेपर में 66 अंक जरूरी हैं आपके लिए। और ये जो पहला पेपर होगा इसमें कुल 150 प्रश्न होते हैं, इसमें अगर आप 90 प्रश्न कर लेते हैं तो आसानी से आपका प्री जो है वो क्रैक हो जाएगा। तो प्रारंभिक परीक्षा का जो पहला पेपर होता है उसका जो सिलेबस है वो मैं आगे आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन उसके पहले आप समझिए कि मुख्य परीक्षा के लिए अगर आप चुने गए तो आपको कौन कौन से पेपर देने होंगे। देखो दोस्तों, यहाँ पर जो पहला पेपर होगा वो सामान्य हिंदी का होगा, और सारे के सारे पेपर, पेपर वन से लेकर एट तक सारे पेपर रिटन होंगे, यानी कि लिख कर परीक्षा आपको देनी होगी। आपको वहाँ पर एक पुस्तिका मिलेगी, उसमें आपको लिखना पड़ेगा। तो लिखने का प्रयास आप लोग करिएगा, अगर लिखना आप लोग छोड़ देंगे तो पेन हाथ में आने के बाद आपकी स्पीड नहीं बनेगी, राइटिंग भी ख़राब हो जाती है। तो प्रतिदिन कम से कम 2 से 3 पेज आप ज़रूर लिखा करें अगर आप पीसीएस देना चाहते हैं तो, मतलब लिखने का अभ्यास आपका बना रहना चाहिए। सामान्य हिंदी ये क्वालिफाइंग होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। बाकी के जो पेपर हैं जैसे निबंध हो गया 150 अंक, और बाकी अब ये जो 7वां और 8वां पेपर होता था ये पहले ऑप्शनल होता था, यानी कि विषय से संबंधित था, अब इसे जो है सामान्य अध्ययन में बदल दिया गया है और ये दोनों पेपर यूपी से संबंधित होंगे। तो इस प्रकार से आपको कुल मिला के 6 पेपर देने हैं जीएस के, एक पेपर हिंदी का और एक पेपर निबंध का। तो कुल मिला के 1500 अंकों की यह परीक्षा होगी, और यहाँ पर आपको सभी जो पेपर हैं 3-3 घंटे का समय आपको इसमें मिलेगा। तो जब मेंस में आएंगे तब मैं इसके बारे में और बात करूँगा, फिलहाल इंटरव्यू के बारे में जान लीजिए कि कुल मिला के 100 अंकों का आपका यहाँ पर इंटरव्यू रहेगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जो जीएस का पहला पेपर होगा, प्रारंभिक परीक्षा के बारे में बात कर रहे हैं, तो प्रारंभिक परीक्षा में जो जीएस का पहला पेपर होता है यहाँ पर आपको कम से कम 90 प्रश्न हल करने होंगे सही सही, ठीक है। ये नहीं कि 90 प्रश्न सही हो गए बाकी सब गलत कर देंगे तभी हो जाएगा, नहीं, ऑल ओवर आपको एक निश्चित मार्क लेकर आना पड़ेगा, ठीक है। 2 घंटे का समय मिलेगा आपको, 200 अंकों की परीक्षा होती है, 150 प्रश्न आपके क्वेश्चन पेपर में रहेंगे। इसमें क्या क्या रहता है सिलेबस, ये मैं कई बार बता चुका हूँ, सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है, ये पुराना ही सिलेबस है, लेकिन आपको ध्यान तो देना ही पड़ेगा कि जो सिलेबस है उसमें आप किस प्रकार से चेंजेस जो हुआ है उसको मद्देनज़र रखते हुए आपको अपनी प्रिपरेशन कैसे बढ़ानी है। मतलब ये कि इस बार क्योंकि 2 पेपर यूपी का है तो हो सकता है कि प्रारंभिक परीक्षा में भी यूपी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएं, हालांकि सिलेबस में आपके यूपी है, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे तो उसमें यूपी को सिलेबस में होते हुए भी इग्नोर किया गया, लेकिन इस बार ऐसा होने की संभावना नहीं है। तो क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं यानी कि करंट अफेयर यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यहाँ पर भारत और विश्व का भूगोल, भारत और विश्व का भौतिक सामाजिक और आर्थिक भूगोल, भारतीय राजनीति और शासन, आर्थिक और सामाजिक विकास, पर्यावरण और पारिस्थितिकी और सामान्य विज्ञान, ठीक है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको जो ये बहुत कम टाइम बचा हुआ है आपके पास, जो भी समय आपके पास है उसकी प्रॉपर तैयारी आप कैसे कर सकते हैं प्री के मद्देनज़र, कि प्री आपका निकल जाए। देखो फ्रेंड्स, मार्केट में बहुत सारी किताबें उपलब्ध हैं और बहुत सारे यूट्यूब चैनल भी ऐसे हैं जो कि बहुत ही अच्छा स्टडी मटेरियल दे रहे हैं। आपको इसमें पेड़ के पीछे न भाग के आपको कहाँ पर भागना चाहिए, आपको भागना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें आपको डिजिटली आपके मोबाइल की एक क्लिक पर उपलब्ध है। यूट्यूब इस समय आपके लिए एक बहुत ही पावरफुल टूल है, जो कुछ आप चाहते हैं, जितना ज्ञान अर्जन चाहते हैं, जिस प्रकार का गाइडेंस चाहते हैं, सब कुछ आपको यूट्यूब यहाँ पर दे देगा। तो सबसे पहले बात करते हैं करंट अफेयर के बारे में कि करंट अफेयर आप कहाँ से पढ़ें और कितना पढ़ें। देखो फ्रेंड्स, करंट अफेयर के लिए अब इतना समय नहीं बचा है कि आप मोटी मोटी किताबें लाएं और उसको पढ़ना स्टार्ट करें। मार्केट में वार्षिकी बहुत जल्द आ जाएगी, उसमें कुछ किताबें बहुत ही बेहतर हैं। देखो कुछ किताबें जैसे कि घटनासार वगैरह आती हैं, ये बहुत अच्छी किताबें हैं, और लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो अगर आपको एक कंसाइज, मतलब संक्षेप में टू द पॉइंट नोट्स मिल जाए कहीं से, तो वो आपके लिए सबसे कारगर होगा।
मतलब ये कि नोट्स आपके लिए रामबाण होगा। और अगर नोट्स आपने नहीं बनाए हैं तो वर्तमान समय में कम से कम पिछले 6 महीने का जो नोट्स है ये आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो लास्ट सिक्स मंथ मतलब ये कि 7 भी हो जाए तो और बेहतर है। मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अक्टूबर से स्टार्ट करिए, अक्टूबर से लेकर आपको अप्रैल तक का जो करंट है ये अच्छे से कवर करना चाहिए। और देखो, अगर आप चाहो, अगर आपको विश्वास हो तो बहुत ही मेहनत करके डेली मैंने करंट अफेयर के क्वेश्चंस को लिखा है और उसकी एक बहुत ही शानदार पीडीएफ मैंने तैयार की है। और ये पीडीएफ अगर आप चाहें तो आप मंथली या फिर अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक की जो पीडीएफ होगी ये अप्रैल में मैं उपलब्ध करवा पाऊँगा। अभी तो वर्तमान समय में अगर आप कहेंगे तो फरवरी चल रहा है, मार्च चल रहा है, तो फरवरी तक का मतलब अक्टूबर से लेकर फरवरी तक का जो करंट है उसकी एक कंबाइंड कापी मैं उपलब्ध करा दूंगा, जिसको आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं और उससे आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। एक बात और भी कि इतना करंट जो मैं आपको दूंगा वो पर्याप्त होगा, अगर आप उतना पढ़ लेते हैं तो आपका काम वहाँ पर चल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो ये तो बात होगी करंट की। इसके बाद अगर आप देखें तो भारत का इतिहास, भारत में विश्व का भूगोल, भारतीय राजनीति और शासन, आर्थिक और सामाजिक विकास। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर भारत के इतिहास के बारे में। तो इसके लिए देखो, अब बहुत ज़्यादा पढ़ने के लिए समय नहीं बचा है। अगर कोई आपसे कहे कि आप एनसीईआरटी पढ़िए या फिर विपिन चंद्रा को पढ़िए, स्पेक्ट्रम पढ़िए, तो इतना समय आपके पास नहीं बचा हुआ है। वर्तमान समय में आपको अगर इतिहास पढ़ना है, मैं आपसे कहूँगा कि आप सबसे बेहतर होगा कि लूसेंट पढ़िए। लूसेंट में जो चीज़ें हैं वो बहुत ही कंसाइज रूप में दी गई हैं, संक्षेप में दी गई हैं। अगर लूसेंट से आपको जो तथ्य हैं वो पता नहीं चल पाते हैं तो हिंदी माध्यम के हैं तो आप किरण की एक किताब आती है, किरण पब्लिकेशन की, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, उसको आप परचेज करके पढ़िए। आपको इतिहास से उससे बेहतर किताब दिस टाइम पूरे मार्केट में उपलब्ध नहीं है हिंदी माध्यम के लिए, ठीक है। बहुत ही संक्षेप में और पूरी हिस्ट्री उसमें कवर की गई है, प्राचीन भारत से लेकर आधुनिक भारत तक। बात करते हैं भारत और विश्व के भूगोल के बारे में। तो इसके लिए मैं आपसे यही कहूँगा कि, और ख़ास तौर से एक बात और भी, वो भी मैं आपको बता दूं कि लास्ट में मैं आपको कुछ और भी किताबों के नाम बताऊंगा जो कि बिल्कुल उनके लिए, जो लोग बिल्कुल केवल पीसीएस प्री पर क्रैक पर फोकस कर रहे हैं और वो किताबें ही पढ़ के आप प्री को क्रैक भी कर सकते हैं, वो मैं आपको आगे बता रहा हूँ। फिलहाल आप इन बातों को ध्यान समझिए। भारत और विश्व का भूगोल अगर आपको पढ़ना है तो इसके लिए जो अच्छी किताबें हैं, महेश बरमाल की किताबें अच्छी हैं, एनसीईआरटी की किताबें अच्छी हैं, लेकिन इतना समय आपके पास अब नहीं बचा हुआ है। तो जो आपके लूसेंट में दिया गया है उसको पढ़ लीजिए और जो चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही हैं वो चीज़ें यूट्यूब से सर्च करके उसके लेक्चर सुन लीजिए, अपना नोट्स बनाइए। और सबसे बड़ी बात जो बताने वाला, उसको ध्यान समझिएगा, यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आप घटना चक्र मार्केट में उपलब्ध है ये ले आइएगा। कौन कौन सी घटना चक्र आपको पढ़नी है? एक तो इतिहास की, ठीक है, ये घटना चक्र ले आइए। इसके बाद भूगोल की घटना चक्र आपके पास होनी चाहिए और पॉलिटी की मतलब राज्य व्यवस्था की जो होती है घटना चक्र, ये 3 हो गई। एक विज्ञान की ये ज़रूर ले लीजिएगा आप, ठीक है। और ये 4 आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, अगर ये 4 आपने पढ़ लिया तो आपका काम यहाँ पर हो जाएगा। और करंट अफेयर के लिए तो आप यहाँ पर नोट्स या फिर जो कुछ भी आपको उचित लगता है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अपनी तैयारी रखिए, बिल्कुल टू दी पॉइंट रहिए, फोकस करिए। और सबसे ज़रूरी बात जो आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि प्रैक्टिस कीजिए। किस चीज़ की प्रैक्टिस करना है आपको? देखो, जैसे कि सामान्य विज्ञान हो गया, आर्थिक और सामाजिक विकास, ये तो आपका कवर हो जाएगा, करंट में ही कवर हो जाएगा। और जो आपका जो यहाँ पर मतलब ये पॉलिटी वाला सेक्शन है, इसके लिए तो आप बस पढ़ लीजिए, घटना चक्र आपका काम चल जाएगा। जो आर्थिकी है उसके लिए आप लोग ले सकते हैं, जो करंट अफेयर है उसी से आपका काम चल जाएगा। जो वहाँ पर टर्म्स समझ में नहीं आएंगे उसके लिए आप लोग फॉलो कर सकते हैं, किसको? यूट्यूब चैनल्स को, मतलब सिर्फ मेरे नहीं, जो भी आपको मिले। तो ये चीज़ें, ठीक है, तो इतना करिए। अब लास्ट में मैं आपको सिर्फ बस यही कहना चाहूँगा, सीसेट पर भी फोकस रखिएगा और यूपी स्पेशल जो भी चीज़ें उपलब्ध हों, जो अच्छा मटेरियल आपको मिल जाए यूपी पर, उस पर भी फोकस आप लोग जरूर कीजिएगा।
और सिलेबस को देखिए, ये सीसेट का सिलेबस है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि सीसेट को कैसे क्लियर करना है, इस पर एक वीडियो मैंने अपलोड किया था, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर सीसेट के बारे में जानना चाहते हैं तो जाकर उसको वॉच कर लीजिए। तो ये चीज़ें ध्यान रखिए, अगर आप तैयारी करेंगे तो कम समय में आप भी को क्रैक कर सकते हैं। तो फाइनल बात जो मैं बताना चाहता हूँ उसको ध्यान समझिए आप। सबसे पहले तो ये है कि करंट अफेयर लास्ट सिक्स मंथ ये आपको तैयार करना होगा, समय कितना भी लगे उसकी परवाह मत करिए, आप स्टडी पर फोकस करिए, ठीक है। लास्ट 10 ईयर नहीं हो पा रहा है तो लास्ट 5 ईयर के जो PYQs हैं, मतलब क्वेश्चन पेपर हैं, ठीक है, इसमें PCS भी होगा, RO भी होगा और अन्य परीक्षाएं भी होंगी, उनके प्रश्न पत्रों को आपको हल करना है, रटना है और अपडेट करना है। मतलब जो करंट पूछा गया वो अपडेट करके रटना है, बाकी जो स्टेटिक है उसको रटना है। तो ये काम भी आपको करना है, कम से कम 10 साल का पढ़िए, नहीं तो 5 साल का तो पढ़िए ही पढ़िए। और बाकी जो किताबें हैं, जैसे कि एक आप लूसेंट जरूर पढ़िएगा, लूसेंट से अच्छा पढ़ते जाइए रंगते जाइए, मतलब एक हाईलाइटर रखिए, पढ़िए और रंग दीजिए, दोबारा पढ़िए, बार बार रिपीट करिए, तथ्य आपको याद हो जाएंगे। और इसके बाद आप चाहें तो जो मैंने यहाँ पर आपको बताया कि घटनाचक्र, तो ये घटनाचक्र आप ले लीजिए। देखो घटनाचक्र आपको 7-8 मिल जाती है, लेकिन ये 4 जरूरी है मेरे हिसाब से। और जो लोग पहली बार अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं, मतलब अभी तक उन्होंने बहुत खास कुछ PCS के पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़ा है, तो उनके लिए ये चीज़ें मतलब एनफ होंगी। अगर इतना पढ़ लेते हैं तो आपका प्री क्रैक हो जाएगा, बशर्ते ये कि एकदम शून्य से अगर कोई उठ रहा है तो नहीं हो पाएगा, लेकिन मुझे विश्वास है कि आपने UP SSC 1 day कई परीक्षाएं दी होंगी, आपने GS भी पढ़ा होगा, कुछ ना कुछ करंट तो आपको पता ही होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर जब इन चीज़ों को आप पढ़ेंगे ना, थोड़ा मेहनत करेंगे, वही चीज़ें रिपीट होंगी, वही चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी, और वो चीज़ें जब आप नोट करेंगे बार बार तो वो चीज़ें आपके दिमाग में छप जाएंगी। एक कोई भी टेस्ट सीरीज़ ले लीजिएगा, कोई भी टेस्ट सीरीज़ लगाइए, और जो टेस्ट सीरीज होती है अगर आप नहीं परचेज कर रहे हैं तो टेलीग्राम चैनल पर कई सारे इस समय टेलीग्राम वाले हैं जो कि आपको क्विज लगवा रहे हैं, तो उस क्विज को फॉलो करें। मतलब क्विज लगाना ज़रूरी है, चाहे आप मार्केट से ख़रीद के लगाएं, चाहे यूट्यूब से लगाएं, चाहे टेलीग्राम से लगाएं, चाहे वेबसाइट से लगाएं, क्विज लगाइए। और जो चीज़ें आपको इम्पॉर्टेंट लगती हैं किताबों में, किताबों में हाईलाइट करिए, और जब आप जितना आपने सेट किया है, इतिहास मान लेते हैं, घटनाचक्र आपने शुरू किया, इसके मान लेते हैं 5 पेजेज आपने पढ़े, तो पहले तो हाईलाइट करिए, फिर वो जो हाईलाइट चीज़ें हैं उसको A4 साइज की कुछ सीट रखिए, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग सीट, तो उस पर नोट कर लीजिए, ठीक है, और उसको बार बार देखते रहिए ताकि वो चीज़ें आपसे भूलने ना पाएँ। जो चीज़ें भूलती हैं उनको पढ़ते रहिए, बार बार पढ़िए, ठीक है। जैसे कि जलधाराएँ हो जाती हैं, भूल जाती हैं, अभी जो नए नए राज्यपाल बने हैं वो भी भूल जाते हैं, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो भूलती रहती हैं, तो उसके लिए बस यही तरीका है कि पढ़ते रहिए। अभी मैं आपसे पूछूं कि जो नोबेल प्राइजेस दिए गए तो 6 विषयों में दिए गए तो सबके नाम बताइए, नहीं याद होगा, लेकिन बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। तो बस यही है कि आपको मेहनत करनी है, मेहनत बस इतनी करनी है कि प्री क्रैक हो जाए, और इसके लिए आपको क्या करना है कि बार बार पढ़ते रहना है। तो बस यही चीज़ें हैं, मतलब कि आप समय का जितना ज़्यादा उपयोग करेंगे और जितना ज़्यादा ओरिएंटेड रहेंगे आसानी से उतना आप कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखो जो आपके जीवन में इम्पॉर्टेंट हो बस उसी को इम्पोर्टेंस दो, जो इम्पॉर्टेंट नहीं है उसको निकाल फेंको। आपकी अलमारी में वही किताबें हों जो आप पढ़ सकते हों, ज़िंदगी में वही लोग हों जो आपके काम के हों, और बहस और फेसबुक और सोशल मीडिया जहाँ कुछ भी जो आपके लक्ष्य से इतर है हटाओ। बाकी चीज़ें करेंगे फिर कभी चर्चा, और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा, और अगर कहीं पर कोई त्रुटि रह गई है, क्योंकि कभी बातें करते करते हो जाता है, तो उसके लिए मैं आपसे ही कहूँगा कि सॉरी बोलता हूँ, लेकिन फ़िलहाल सारी चीज़ें परफेक्ट हैं और तैयारी में लगिए। मतलब सॉरी इसलिए बोला मैंने, इसलिए बोला कि संबोधन में कहीं कुछ हुआ हो, बाकी चीज़ें अपनी जगह बहुत सही हैं, किताबों को फॉलो करिए। सभी को बेस्ट ऑफ लक, अभी भी बहुत समय है। और एक बात और भी कि जान लड़ा दो या फिर जानने दो, और अगर जान लड़ा देंगे, अगर पूरी ताकत लगा देंगे तो कोई आपको माई का लाल रोक नहीं सकता सफल होने से, और कोई माई का लाल आपको DYSP STM BSA तहसीलदार नायब तहसीलदार जो कुछ बनना चाहते हैं आप बन सकते हैं। आप सभी को शुभकामनाएं है।